मुंडखाल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से रामबन के मुंडखाल इलाके में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कई इलाकों से आए कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में अलग अलग इलाकों से आने वाले युवाओं ने अपना खूब हुनर दिखाया। खिलाड़ियों के इस हुनर के साथ साथ लोगों ने खूब मनोरंजन भी किया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों की तरफ से विजेता खिलाड़ियों में इनाम बांटकर उनकी हौसला अफजाई की गई। वहीं टूर्नामेंट के अंत में लोगों ने जिला प्रशासन और सरकार से मुंडखाल में खेल का मैदान बनवाने की मांग की है, क्योंकि इलाके में कोई खेल का मैदान ना होने से हुनरमंद खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद होता चला जा रहा है। जो ये टूर्नामेंट जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को मैं अपने तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस तरीके के जो प्रोग्राम करने से जो हमारे नौजवान हैं वो सही रास्ते पे जाने के, उनको सही रास्ते पे जाने की दिशा मिलती है। और मैं आप सभी जो जितनी भी टीमों ने यहां पर हिस्सा लिया उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और साथ में मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, खासकर जो हमारे डीसी रामबन है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो हमारे यहां पर नौजवान जो है खेलकूद में हिस्सा लेते हैं उनको जो उनके अंदर टैलेंट मौजूद है उसको जिला सतह पर, स्टेट लेवल पर उनको बाहर मतलब जाने का मौका उनको मिलना चाहिए, क्योंकि हम मैं देखता हूं जगह जगह पर टूर्नामेंट किए जा रहे हैं। मतलब हमारे यहां पर आप जानते होंगे कि हमारे इन्हीं इलाकों से कुछ लोग ऐसे निकले हैं, मतलब टैलेंट की वजह से ही, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ा अदालत होती है उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर साहब अभी अभी हाल ही में रिटायर होकर आए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हमारे नौजवानों को सरकार की तरफ से सहायता प्रोवाइड की जाए, मुहैया की जाए, तो हमारे यहाँ के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी जो है यहाँ पर उनको सहूलियात नहीं है, मैं बेसिक फैसिलिटी यहाँ नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और मैं इन नौजवानों को, इन खिलाड़ियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं जाती तौर पर भी, मैं जो मिनिस्टर साहब हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर जो खेलकूद के लिए कम से कम क्रिकेट ग्राउंड वगैरह जो है वो दिए जाए, जिससे ये खिलाड़ी जो है आराम से अपना टूर्नामेंट कर सके। थी हार्ड पिच थी तो अच्छी बॉल ऊपर आती थी, तो हमारे लड़कों ने अच्छी मेहनत की, तो हम यहाँ पे थंडर टाइगर्स जो है हमने फाइनल जीत लिया। तो अपोजिट में भी अच्छी टीम थी मरनाल की, तो उन्होंने भी मेहनत से ही फाइनल में पहुंचे, तो बहुत अच्छी मेहनत की दोनों टीमों ने। तो लास्ट में एक हारती है, एक जीती है, तो थंडर टाइगर्स ने ये फाइनल जीत लिया। हाँ, मुंडखाल की टीम में अच्छे हिटर थे, ब्लाइंड हिटर थे, अयाज था, फियाज था और बाकी लड़के थे, बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा करते थे आगे पीछे वो मैचों में। तो हमने यहाँ पे एक बॉलिंग अटैक जो है उनपे अच्छी की, तो वहाँ से वो थोड़ा पीछे रह गए बैटिंग में, तो हमने उनको सेमीफाइनल में बाहर कर दिया। तो हम फाइनल में बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजर कमेटी का, जिन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। कोई ऐसी एम्पायरिंग बहुत अच्छी रही, सेवा सिंह बाली जी जो है नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने भी यहाँ आके हमें इनाम से नवाजा और इन्होंने भी कुछ इनामात अपने हाथ से दिए, तो बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम इनके। सजाद जी आपका भी, यहाँ से आप मीडिया में हो तो यहाँ से हमारी आवाज़ जो है मीडिया तक पहुँचती है, तो बहुत ही शुक्रगुजार हम।